कब करना होगा? 3-4 दिन में। लेकिन अगले हफ्ते तो डिंपल की शादी है, 3-4 दिन में सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। शादी टल सकती है, बाद में हो जाएगी। लीला भाभी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे कार्ड्स बट चुके हैं, हॉल केटरिंग सब बुक हो चुका है, ऐसे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ न रुके। शादी भी हो जाए और मीनाक्षी का ऑपरेशन भी। ऐसा कैसे होगा बा? वहां पर सब शादी में लगे होंगे तो मीनाक्षी की देखभाल कौन करेगा? और मीनाक्षी के बिना शादी में किसका मन लगेगा? हाँ, लेकिन लीला भाभी, अगर मीनाक्षी की वजह से शादी रुकी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। अभी अभी तो कह के गई है वो। उसके बोलने से क्या होता है सुबोध भाई? आप एक मिनट, आप दोनों जरा शांत रहिए। मुझे तो बाकी बात ठीक लग रही है कि शादी भी मुहूर्त के अनुसार होनी चाहिए और मीनाक्षी का सीजेरियन भी जब जरूरत पड़े तब ही होना चाहिए। अरे पर हर्षद भाई, मीनाक्षी के साथ हम लोगों में से किसी का रहना तो हमारा परिवार एक दो लोगों का थोड़ी ना है लीला भाभी। हम खुद हमारे बारे में कहते रहते ना कि एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा। कभी किसी एक को तकलीफ आई है तो दूसरे का काम रुका है कभी? और मीनाक्षी खुद कह के गई ना उसे कुछ नहीं होगा। जब उसे खुद पर इतना यकीन है तो हम हाँ, लेकिन वैसे भी ये नौबत तभी आएगी जब मीनाक्षी के सेकेंड ओपिनियन के रिपोर्ट्स ठीक नहीं आएंगे। मीनाक्षी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। हमें हर पल उसे खुश रखना होगा। वो जितना हंसेगी, जितना खुश रहेगी, उतना ही उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और वो तभी हंसेगी और तभी खुश रहेगी जब डिंपल की शादी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि डिंपल की शादी पोस्टपोन करने की सोचिए भी मत। करेक्ट। जो भी प्रॉब्लम होगा हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन डिंपल की शादी नहीं रुकेगी। डन। क्यों रो रहा है? कुछ नहीं होगा मम्मी को। चलो तैयारी करते हैं। कमोन। अरे मानव, बेटा तुम मायूस क्यों हो? मैं अभी तुम्हारी मम्मी का प्रेशर चेक करके आई हूँ। बिल्कुल नॉर्मल है, शी इज ऑल राइट, डोंट वरी। चलो चलो मेहंदी की तैयारी करते हैं, चलो लेट्स गो। शिल्पा भाभी, हर्षद भाई कह रहे थे कि सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। पड़ सकती है, पड़ेगी ही, ऐसा तो नहीं कहा था ना? हाँ, वो सेकंड ओपिनियन के बारे में भी। तसल्ली के लिए सुबोध भाई, आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन क्यों हो रही है? मीनाक्षी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट कह रही थी तुम लोग मेहंदी की तैयारी कर लो, वो भी फंक्शन देखेगी। चलो चलो, एवरीथिंग इज ओके। कम ऑन सुबोध भाई, चल अब। Come on, children. Come on. जय श्री कृष्ण। फिर से आ गई। मैं तो यही कह रही थी। मालूम है क्या? पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। आपको क्या चाहिए मंगू मौसी? आज मैं कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। क्या? सलाह मीनाक्षी के सेहत के बारे में। आपके कुएं में कुल देवता का वास तो है ही। आप अगर माता जी की वंदना करेंगे ना तो वो किसी ना किसी रूप में आकर मीनाक्षी की रक्षा करेंगे। थैंक यू मौसी आपकी सलाह के लिए, हम लोग माता जी की वंदना जरूर करेंगे। लेकिन अरे सुबोध भाई, आपने ढोलक वाले को फोन किया कि नहीं? भाभी ने वो मेहंदी मंगाई कि नहीं? गॉड, अरे लेकिन मेरी पूरी बात किसी ने सुनी नहीं। मैं ये कहने आई थी कि मेरे गुरुजी ने सलाह दी है कि इस घर में जो सबसे भोला साफ दिल वाला हो, अगर वो 3 दिन बिना खाए पिए अगर माता जी का उपवास रखे तो वो प्रसन्न होकर किसी भी रूप में आकर मीनाक्षी की रक्षा करेगी। कह देना सबको। हाँ, जय श्री कृष्णा। मैंने तो सोचा था कि वो सचमुच कुछ देने आई है, लेकिन दिया भी तो क्या, एक फालतू सी सलाह। मुझे नहीं लगता कि ये फालतू सलाह है,
देखा नहीं कितना कॉन्फिडेंस से कह रही थी। ट्राई तो कर सकते हैं ना, करना क्या है, सिर्फ 3 दिन तक खाना और पानी भी नहीं पीना है। पर उन्होंने कहा था कि सबसे साफ दिल वाला और भोला। कौन है हमारे घर में सबसे भोला और साफ दिल वाला? वैसे तो मैं हूँ, पर कोई मानेगा नहीं। होगी तो मानेगा ना। ए, गट्टू काका, उनसे ज्यादा भोला और साफ दिल वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अब और देर करना ठीक नहीं है। देखिए, आपने पिछले 15 मिनट से एक कार्ड नहीं उठाया है। लेकिन अभी तक आपने रेडी 1 2 3 स्टार्ट ऐसा नहीं बोला है ना। रेडी 1 2 3 स्टार्ट? हाँ, अभी निकाल सकता हूँ। आप मुझको बोलो ना इसमें अच्छा कौन सा है, वो ही निकालता हूँ मैं। सारे ही अच्छे हैं, और फिर आप तो वही उठाएंगे ना जो आपके नसीब का होगा। नहीं नहीं, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो बता दो ना। आप ज्योतिषी हो ना। पर नसीब तो आपका है। लेकिन आप ज्योतिषी हो तो आप मुझको हिंट नहीं दे सकते कि कौन सा वाला अच्छा है, वरना फायदा क्या है। जिसका नसीब होता है उसी को कार्ड उठाना पड़ता है। वेरी बैड, 100 रुपया ले लिया। मुझको 100 रुपया वापस दो, 100 रुपया वापस दो, वरना मैं बेबी को बुलाता हूँ। बेबी, बेबी, बेबी। यार बिरजू, कितना सॉरी बोलोगे तुम, हो गया है ना। हाँ यार, बस करो, छोड़ो इस बात को। देखो, तुमने शक किया बिकॉज यू केयर। जहाँ प्यार होता है वहीं तो जलसी होती है ना। हाँ यार, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो गया था। आई एम रियली सॉरी। ये सब फिर कभी नहीं चाहिए, ओके? लेकिन मुझे चाहिए बिरजू, क्योंकि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोई इतना चाहता है कि वो सब कर सकता है जो तुमने किया। बेबी, मुझे तुमसे थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी है, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। दिस इज नॉट फेयर। जो डिजर्व करता है उसी को मिलता है, ओके? अब तुम दोनों अपना ये म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब बंद करोगे? बेबी, ऑनेस्टली, यू डिजर्व द बेस्ट। अब मुझे तुम्हारे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या मतलब, तुम्हें क्या टेंशन है? नहीं, अभी के लिए नहीं, लेकिन बाद में अगर अगर कभी मैं जरूरत के वक्त बेबी के पास ना रहूं तो तुम उसे संभाल लोगे ना, इसका ख्याल रखोगे ना? प्रॉमिस मी अनीश। लेकिन तुम जस्ट इन केस। ओके, थैंक्स। क्या ओके? तुम क्या ओके ओके कह रहे हो? और तुम जरूरत के वक्त मेरे पास क्यों नहीं होगे? ये रिलैक्स, चिल। मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? नहीं बेबी, लेकिन इंसान को कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, मतलब अभी नहीं तो शायद 30 साल बाद। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं ना रहूं तो ये तुम्हारा ख्याल रखे। आपके घर के बच्चे आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और आप दिल के बहुत साफ हैं। अब वो सब मालूम है, शादी के बारे में क्या लिखा है वो बोलो ना।
शादी का योग है ही नहीं। क्या शादी का योग है ही नहीं? मतलब? मतलब यही कि आपकी शादी I'm sorry to say नहीं होगी। चल चल, ऐसे थोड़ी चलता है। क्यों नहीं होगी मेरी शादी? कितना मस्त लड़का हूँ मैं, ये देखो कितना मस्त नारियल लेके आता हूँ मैं। मुझको लकी की स्पेलिंग भी आती है, WOMP लकी। वो मीनाक्षी भाभी कभी कभी मुझको गणपति बापा बोलती है। मैं फुल पेन भी पहनता हूँ कभी कभी। तो शादी क्यों नहीं होगी मेरी? ये कार्ड गलत है, मेरा वाला निकालता हूँ। 100 रुपए में एक ही कार्ड निकलता है सर। तो मेरा वाला कार्ड निकालो ना, जिसपे ऐसा लिखा होगा रानी मुखर्जी वेडिंग गट्टू टक्कर। देखो मैं दूसरा निकालता हूँ। ये नहीं, ये इसमें भी नहीं लिखा, ये मेरा नहीं है। एक मिनट ना, एक मिनट प्लीज, इसमें भी नहीं है। हला ये सब में चित्रकाम किया हुआ है, वेरी बैड। उल्लू बना दो ना आप, तो आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो, दैट्स इट। अनीश मुझे प्रॉमिस करो, तुम मेरी बेबी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, ओके? प्रॉमिस, मैं तुम्हारी बेबी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, पहले ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बाद में तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इसलिए फिर कभी शक मत करना, और करोगी भी तो पहले बता देना, फिर हमारी बेबी तुम्हें 2 मिनट में सीधा कर देगी। डन, ओके। हेलो हेलो अनीश जीजू। हाँ बेटा बोलो। गट्टू काका आपके साथ है, जरा उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा, गट्टू काका आए तो हमारे साथ ही थे, मगर अभी एक जोशी के साथ बैठकर अपना फ्यूचर पूछ रहे हैं उससे, भविष्य। ओके थैंक यू। बेटा काट दिया। गट्टू काका रेस्टोरेंट गए जरूर है लेकिन कुछ खा नहीं रहे। गुड चाइना मानव, उल्लू बना दो ना आप, वेरी बैड। ये गट्टू काका क्या कर रहे हैं? चलो चल के देखते हैं। चलो, ये लीजिए आपके 100 रुपए। मैं सारी दुनिया का भविष्य बता सकता हूँ मगर आपका भविष्य नहीं बता सकता। सारी दुनिया का बता सकते हैं? अच्छा तो इनका बताइए, इनकी शादी होने वाली है रानी मुखर्जी के साथ में। ये आप सबके नसीब में रानी मुखर्जी को क्यों घसीट कर ले आते हैं? तो आप रखो ना ये 100 रुपए रखो, और प्लीज मुझको बोलो कि मेरे नसीब में रानी मुखर्जी है कि नहीं है। अरे कोई रानी मुखर्जी नहीं है आपके नसीब में, और आपका भविष्य केवल वही है जो मैंने आपको बता दिया है। आपकी तो शादी नहीं होगी। मेरी शादी ही नहीं होगी? नहीं होगी। प्लीज यार, वो हेमल है ना हम लोग के घर पे, वो मुझसे छोटा है, तो उसकी भी शादी होने वाली है अभी, और बेबी की भी शादी होगी तो वो भी चली जाएगी। डिंपल अकेले जाती ना तो चलता था, लेकिन बेबी भी जाने वाली है शादी करके। इट मींस कि मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी ही शादी नहीं होगी, ऐसा थोड़ी चलता है। जय श्री कृष्ण बेबी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं करनी मुझे शादी वादी। लेकिन मुझको करने की है ना शादी, बोलना इसको यार कुछ। प्लीज यार जरा देखो ना यार, मैं प्लीज बोलता हूँ ना आपको, देखो इधर ही किधर होगा मेरा रानी मुखर्जी वाला कार्ड, वो किसी और को मिल जाएगा ना, तो फिर रानी मुखर्जी की शादी उसके साथ में हो जाएगी। कट्टू काका प्लीज यार, कुछ भी नहीं आता आपको, 100 रुपए दो मुझको वापस। लुच्चा गट्टू काका, आप भी पैसों को लेके बैठ गए, आप अपने हाथ दिखाइए, मैं आपका भविष्य देखूं। लाओ
आपका आता है देखने का? तो फिर आपके हाथ में लिखा है क्या? लिखा है आपके हाथ में साफ साफ लिखा है कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। देखा? और क्या लिखा है? किसके साथ होने वाली है मेरी शादी? लड़की का नाम लिखा तो है लेकिन लेकिन क्या सा लिखा है? ठीक से देख। ठीक से देख। आपके हाथ में लड़की का नाम इंग्लिश में क्यों लिखा है? हाँ, गुजराती में होना चाहिए ना। नहीं, लड़की गुजराती नहीं है। हाँ तो बराबर है, लड़की गुजराती नहीं है। बराबर है, नाम क्या लिखा है लेकिन? इंग्लिश में इसका मतलब कुछ क्वीन टाइप होता है। क्वीन मतलब? हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अनिल, हाँ, अनिल, हाँ, बराबर है, बराबर। आपका मैं हाथ देख सकता हूँ? क्वीन मतलब हिंदी में क्या होता है? वही कि क्वीन मतलब हिंदी में क्या होता है? इतना भी नहीं मालूम है तुझको? नहीं। मुझे पता है कि बिरजू तू चुप रहना, प्लीज चुप रहना, तू कोई भी नहीं बोलेगा, इशाराबाजी भी नहीं चलेगी। अरे अनीश कितना सिंपल है यार, तू दिमाग लगा ना अपना। क्वीन हिंदी में? हिंदी। चल हिंट दू मैं, देखो दो अक्षर का नाम है, रा से शुरू होता है, रा से शुरू होता है और नी से खत्म होता है। रा से शुरू होता है, नी से खत्म होता है। अरे राजा का ऑपोजिट क्या होता है? रानी। रानी, रानी मुखर्जी हमारे घर आ रही है। रानी सरेंडर। अभी इधर साइड में देख, मुखर्जी भी लिखा होगा, देखो लिखा है मुखर्जी। मुखर्जी नहीं लिखा, जरा बराबर देखना। रानी के ठक्कर, रानी ठक्कर। हाँ, अनिल बराबर लिखा है इसमें, रानी ठक्कर। देख मेरा नाम गोपाल ठक्कर है ना, तो रानी मुखर्जी की शादी मेरे साथ में होगी तो फिर उसका नाम रानी ठक्कर हो जाएगा। रानी मुखर्जी, कांग्रेचुलेशन रानी मुखर्जी। वाह वाह वाह, अरे बराबर लिखा है इसमें, बराबर। कांग्रेस बेबी, कांग्रेस, कांग्रेस भाई साहब, कांग्रेस। ओह गॉड, चलो अभी खाना वाना खाते हैं। चलो 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 चलो। अरे इधर सबसे बेस्ट क्या मिलता है? चलो चलो चलो, मम्मी चलो कट्टू का, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? कट्टू का ये शादी का अरमान कभी पूरा नहीं होगा बिरजू। कहीं मैं शादी करके उसे चीट तो नहीं कर रही ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दिल चाहता है तो मैं कह दूं कि चलो हम भी शादी नहीं करते। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।